हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस, ये हमारे सीरीज का लास्ट पार्ट है, जो कि है हमारा एवरी कैंडल एक्सप्लेन। इस सीरीज में हम क्या करते हैं, इस सीरीज में हम अल्टीमेटली मैं कुछ ट्रेड प्लेस आउट करता हूँ मार्केट के साइकोलॉजी को समझ करके। एंड जहाँ पर भी मैं ट्रेड प्लेस आउट करता हूँ, उसके मल्टीपल रीजन्स आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, और जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं ट्रेड करता हूँ, चीज़ें आपको अच्छे तरीके से गाइड करता हूँ, ताकि आपको एकदम प्योर और डीप नॉलेज मिल पाए। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पार्ट है, तो हम ट्राई करेंगे कुछ अच्छे खासे ट्रेड प्लेस आउट करने को। ठीक है, तो चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भी फिलहाल सारे के सारे ओटीसी मार्केट ही चल रखे हैं, तो एक और बात है, मार्केट ओटीसी हो रियल हो, अगर आप पे नॉलेज है और आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करना जानते हो, तो कोई भी मार्केट हो आप वहाँ पे इजीली बेनिफिट बना सकते हो। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे कुछ रैंडम चार्ट्स को पिक कर रहा हूँ, जिस पर मैं ट्रेड करने का ट्राई करूँगा, एंड जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस पर हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो चलो आज कुछ ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, फिर हम एक्ट करेंगे। एंड इस स्ट्रैटेजी में हम ओनली वन स्टेप मार्ट एंगल तक ही कवर करेंगे, अगर वन स्टेप के ऊपर लॉस लगता है तो उसके आगे हम ट्रेड अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो चलो आज वीडियो को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फाइंड करते कुछ ऐसे चार्ट, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी जहाँ पर हम ट्रेड अच्छे तरीके से प्लेस कर पाए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। गाइज, मार्केट में इस कंडीशन में सेलिंग आ सकती है अच्छी खासी, अगर मुझे इस पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं सेल करूँगा। ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है और मैं स्कैंडल पे सेल करने के मूड पे हूँ। रीज़न आपको पता ही होगा छोटा सा, एक तो पहली बात यहाँ पे रेजिस्टेंस का जोन है और टाइम निकलने वाला है, मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइज हमने यहाँ पे एक सेल की ट्रेड ले ली है और वो नेक्स्ट कैंडल में एक्सपायरी लग गई है, कोई बात नहीं, ओवरऑल वहाँ से मार्केट नीचे जाना ही चाहिए। ठीक है, बट कोई नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके पीछे का लॉजिक। एक तो छोटा सा लॉजिक ये है हमारा एवरी कैंडल एक्सप्लेन में, समझाता हूँ। देखो, एक छोटा सा लॉजिक क्या है, एक छोटा सा लॉजिक तो पहले आपको क्लियर पता ही होगा कि यहाँ पर एक प्रॉपर क्या है गाइस, रेजिस्टेंस है। क्या है, एक प्रॉपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने क्या करी, क्लोजिंग कराई है, जहाँ से सेलिंग बैक टू बैक आ सकती है। ठीक है, दूसरा कन्फर्मेशन क्या था, मार्केट ने एक आउटसाइड बार का पैटर्न बनाया है। ठीक है, गौर करो, एक आउटसाइड बार का पैटर्न है जहाँ पर एक बुलिश कैंडल के साथ आउटसाइड बार का क्रिएशन हुआ है। तो जब भी आउटसाइड बार का इस तरह से क्रिएशन होता है, बुलिश आउटसाइड बार बनता है और वो किसी जोन में जाके बंद हो जाता है, तो वहाँ से फिर सेलिंग आती है, डेफिनेटली वहाँ से सेलिंग आती है। तो ये सारे कन्फर्मेशंस थे जिसको यूज करके हमने ट्रेड किया था। और मार्केट में गाइस, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आज न्यूज़ इम्पैक्ट वाला मार्केट है, तो चाहे ओटीसी पेयर हो या लाइव पेयर हो, सब में बहुत ही ज़्यादा वॉलीटिलिटी है। अब ये ट्रेड भले ही लॉस हो जाए, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, ये ट्रेड भले ही लॉस हो जाए, बट यहाँ पे रियलिटी क्या थी, रियलिटी यही थी कि ओवरऑल मार्केट को इस कंडीशन से नीचे फॉल करना चाहिए था, फॉल नहीं करा, कोई बात नहीं। अब कहेंगे भाई बंदे तो मतलब मार्केट तो, और मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो तो अब ट्रेंड है, लेकिन यहाँ गौर करो, यहाँ बीच में साइडवेज हुआ है। ठीक है, तो हम इस कैंडल के बाद दो ट्रेड सेल डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं गाइस। ओके, तो गाइस हमने यहाँ पे दो ट्रेड की एंट्री कर ली है सेल डायरेक्शन के लिए। अब मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पर ये कैंडल सेलर की बने, बट अगर नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, अगर हमारे यहाँ भी लॉसेस लग जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे चीज़ों को छोड़ देंगे और नेक्स्ट कैंडल्स पे ट्रेड को फाइंड करने का गाइस ट्राई करेंगे। नेक्स्ट कैंडल पे क्या करेंगे गाइस, ट्रेड को फाइंड करने का ट्राई करेंगे। बिकॉज गाइस देखो क्या होता है, हमारा जो भी रूल है, हमारी जो भी साइकोलॉजी है, हम उसी को फॉलो करके यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस आउट करा, हमने कुछ गलत एक्शंस नहीं लिए हैं, हमने जो भी रूल फॉलो करा है, अगर उसके अगेंस्ट में मार्केट जाता है और एक्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब ये है कि उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर पोजिशन के लिए हमारी साइकोलॉजी या तो काम नहीं कर रही है या फिर मार्केट अच्छे तरीके से एक्ट नहीं कर रहा है। देखो, अगर दो इंसान में लड़ाई हो रही है तो गलती किसी एक की होगी, ठीक है, या फिर दोनों तरफ से थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। ठीक है, और दो ही चीज़ें इसमें आती है, तो मैं या तो मार्केट, तो मैं चीज़ें इस हिसाब से समझता हूँ कि मार्केट ही सही है, मेरी साइकोलॉजी में कुछ इफेक्ट हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसी बेसिस पे हमने जहाँ ट्रेड किया था, और गाइज देख सकते हो ये हमारा गाइज शॉर्ट शॉर्ट हो चुका है, ये हमारा शॉर्ट शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, एंड जो भी हमारे लॉसेस थे गाइज वो रिकवर हो चुके हैं, एंड ओवरऑल हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। हमने गाइज सेल के लिए ट्रेड लिया था, एंड कैंडल बहुत ही तगड़ी सेलिंग की गई थी, बट लास्ट टाइम में जा करके बाइंग रिएक्शन आया, एंड वहाँ से बाइंग गाइज इंटरेस्टेड हो गई, बट कोई नहीं, ओवरऑल हम किस में है, ओवरऑल गाइज हम यहाँ पर प्रॉफिट में लैंड कर चुके हैं। ठीक है, तो हम चलो गाइज कुछ और ट्रेड फाइंड करेंगे। यहाँ बस दो रीज़न था ट्रेड करने का, क्या रीज़न था, पहला रीज़न वही था SNR, दूसरा यहाँ पर आउटसाइड बार का पैटर्न था, ये सारी चीज़ों को देख करके हमने ट्रेड किया था। ओके, तो चलो कुछ और अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, एंड कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम ट्रेड करेंगे।
नहीं तो वेट करेंगे। और मार्केट का अभी ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो नीचे आने का है। मार्केट क्या चाहती है? ओवरऑल नीचे आने का ट्राई करती है, ठीक है। अभी मार्केट का यहाँ से बैक टू बैक मूड जो है इसका सेलिंग का है, ठीक है। मैं आप एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ सेल डायरेक्शन के लिए, थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन ले लिया हूँ। अगर आप गौर करोगे थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन है, बट मैंने यहाँ पर एक सेल का ट्रेड प्लान किया है। इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, और अगर ये ग्रीन बनी ना तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर सेलिंग आएगी, ओके। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या था या फिर इसी कैंडल को क्यों विन होना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले इस ट्रेड को ओवरऑल या तो विन या फिर लॉस हो जाने देते हैं, नहीं तो आपको मैं जो समझाऊंगा वो आपको लगेगा कि भाई आपने अच्छी अच्छी बातें बता दी और आपका ट्रेड ही लॉस हो गया। तो क्या देखो क्या होता है, रूल रेगुलेशन सेम होते हैं। आप ट्रेड विन करें या लॉस करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपका रूल ये कह रहा है कि यहाँ सेल करना है और भले यहाँ पे बैक टू बैक बाइंग आ जाए, तो आपको ये नहीं सोचना कि भाई ऐसे कंडीशन में बाई कर लो, नहीं, आपका जो रूल रेगुलेशन कह रहा है आपको वही फॉलो करना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारा लॉस हो चुका है, तो गाइस हम यहाँ पर डबल ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं। और मैंने ऑलरेडी कहा था कि अगर ये ट्रेड लॉस होता है तो हम यहाँ पे वन स्टेप मार्टिंगल फॉलो करेंगे, और मार्केट एक ग्रीन कैंडल अगर आती है तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल सेलिंग के लिए जाएगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ से क्या होता है। अभी फिलहाल मेरे हिसाब से मार्केट को तगड़ा फॉल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल आनी चाहिए यहाँ पे, नहीं तो एटलीस्ट जहाँ पे हमने एंट्री ली है उसके नीचे इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, ओके। तो चलो देखते हैं क्या होता है। मार्केट में बायर्स एंट्री हो रही है, बट ओवरऑल मुझे पता है लास्ट में इसमें सेलिंग प्रेशर आएगा ही आएगा, और अगर लॉस होता है तो देखते हैं क्या कर सकते हैं गाइस। मार्केट है, प्रॉफिट लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम, लेट्स सी। लास्ट के कुछ 15 सेकेंड बचे, हमारी एंट्री भी काफ़ी गलत लग गई है, देख सकते हो। एक ऐसी जगह पे लगी है जहाँ पे बायर का सपोर्ट है, जैसे बायर उठा था, बट कोई नहीं, हम देखते हैं। हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, और साथ ही साथ जो तरीके से मैंने ट्रेड करा है उसके हिसाब से ये एक डेफिनेटली सेलिंग की कैंडल बननी चाहिए थी, ठीक है। और ये विन हो चुकी है गाइस। देखो क्या होता है, कुछ भी 100% नहीं है, बट इफ़ यू हैव प्रॉपर नॉलेज देन यू कैन मेक मनी, ओके। कुछ बच्चे एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नॉलेज लेने के लिए पढ़ते हैं। आप नॉलेज लेने के लिए पढ़ाई करो, ना कि पास होने के लिए। अगर आप तुक्केबाजी के लिए ट्रेड करोगे, दो चार ट्रेड विन कर लोगे, फिर बैक टू बैक सब लॉस कर जाओगे। अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी, पहले थोड़ा सा मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो। मार्केट में गैस ओवरऑल क्या चला हुआ था, एक छोटा सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन था जहाँ पर मार्केट जो है एक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? एक्ट कर रहा था। फिर मार्केट का जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, फॉल आया, फिर बीच में छोटा सा मार्केट स्टैक हुआ, फिर मार्केट रेंज किया, फिर इसका ब्रेकआउट आया, यहाँ पे एक बाइंग आई, फिर बैक टू बैक सेलिंग आई है, फिर बाइंग आई है, फिर बैक टू बैक सेलिंग आएगी। और ओवरऑल टारगेट कहाँ तक का, तो जो मैंने यहाँ पे रेड कलर की लाइन बना रखी है एक सपोर्ट लेवल, वो वहाँ तक का टारगेट है, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट का टारगेट क्या हो गया, तो मार्केट में पहले तो अप ट्रेंड था, यहाँ पे साइडवेज हुआ ऊपर मार्केट, मार्केट ने अपने लोज का ब्रेकआउट किया, मार्केट ने क्या किया, अपने लोज का ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे, और रिट्रेसमेंट के बाद फॉल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि मार्केट अपने नीचे वाले टारगेट को टच करने जाएगा, एज यू नो डैट, ओके। तो हमें क्या डायरेक्शन मिल गया कि हमें यहाँ से सेलिंग करनी है, पहला डायरेक्शन कंफर्मेशन, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। साइकोलॉजिकल पैटर्न क्या है कि मार्केट में जब भी रीसेंट टाइम फ्रेम में अगर आप गौर करोगे, इतने दूर से कहाँ तक, तो मार्केट के इस पोजिशन से अगर आप गौर करोगे, इस पोजीशन से इतना जो भी मार्केट बनाया, यहाँ पे कभी भी बायर आया है, कभी भी बायर आया है, तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बाइंग की नहीं आई है, वहाँ सेलिंग ही बैक टू बैक फिर आई है। बायर आया, फिर सेलर आ गया, बायर आया, फिर सेलर आ गया, बायर आया, फिर सेलर आ गया, बायर आए, फिर सेलर आ गए, बायर आए हैं, तो फिर क्या आएगी, सेलिंग आएगी। ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, और ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड के साथ चलोगे तो प्रॉफिट में लैंड करोगे, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन था, टारगेट पता था, नीचे जाएगा मार्केट, डायरेक्शन हमें टारगेट पता है, डायरेक्शन पता है, साइकोलॉजिकल पैटर्न समझ आ गया था, प्राइस एक्शन भी प्रॉपर कंफर्मेशन दे रहा था। इस तरह से हमने कॉन्फिडेंस के साथ इस ट्रेड को भी विन कर लिया। और गाइस अगर आपको भी बाइनरी में इसी तरह की शॉर्ट शॉर्ट ट्रेडिंग सीखनी है, तो आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपरली ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन करो, एंड वहाँ पर आ करके आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपरली ट्रेडिंग गाइस सीख सकते हो, ठीक है। और गाइस अगर आप बाइनरी में लॉसेस करते परेशान हो चुके हो और आप अपना पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो आप मुझसे मेरा अगर आप
लॉसेस करते परेशान हो चुके हो या फिर अपना पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो आप मेरे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं पर डे 5 to 10 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, जिसका यूज करके आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपका जो भी पुराना एग्जिस्टिंग कोटेक्स अकाउंट है उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसमें मिनिमम $30 से $40, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको उसमें मिनिमम $30 से $40 का डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद आपको मेरी कोटेक्स आईडी, जैसे आप डिपॉजिट कर दोगे तो आप अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर दोगे, फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको पर डे 5 to 10 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल मिल जाएंगे विथ लाइफ टाइम का सपोर्ट। ठीक है, तो चलो एक लास्ट ट्रेड हम करेंगे, फिर मार्केट से आउट हो जाएंगे, एंड बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है, करीबन 10 मिनट क्रॉस हो चुका है, तो हम एक और ट्रेड करेंगे और फिर मार्केट से गाइज आउट हो जाएंगे। ओके गाइज, इस सिचुएशन में मैं रेजिस्टेंस पर बाई करने के मूड में हूँ, अच्छी खासी बाइंग करने के मूड में हूँ। क्यों बाई करने के मूड में हूँ मैं आपको समझाता हूँ, बट उससे पहले कुछ लेवल्स देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक ट्रेड बाई करने के मूड में हूँ, इस पोजीशन पे मैं ट्रेड बाई करना चाह रहा हूँ, देखते हैं क्लोजिंग कहाँ होती है। ओके, तो गाइस हमने यहाँ पर एक कॉल डायरेक्शन की ट्रेड की एंट्री ले ली है अर्लियर, और एज टू मी मार्केट अगर यहाँ पर सेलिंग भी आती है फिर भी हम नेक्स्ट कैंडल पर बाइंग करेंगे, और जैसा मुझे लगता है कि मार्केट इसी पोजीशन से अभी बाइंग की ही एंट्री देगा। ठीक है, ट्रेड हमने क्यों किया था वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, बट थोड़ा सा वेट कर लो गाइस, क्योंकि मार्केट देख लेते क्या होता है। गाइस देखते हैं, मार्केट में सेलर्स आ रहे हैं, बट कोई नहीं, हम इसके बाद भी बाइंग करेंगे, इसके बाद भी क्या करेंगे गाइस, बाइंग करेंगे, और अगर फिर दोबारा सेलिंग आई तो वन स्टेप, मतलब यहाँ पे हम लाइक टू स्टेप मार्टेंगल तक जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो सारी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से ऊपर साइड का रूप ले सकती है, बट कोई नहीं, देखते हैं, टाइम है अभी ट्रेड के लिए, टाइम अभी है। ठीक है, टाइम अभी है, देखते हैं क्या रहता है सिनेरियो। ये लॉस हो रहा है, कोई नहीं, हम यहाँ पर डबल अमाउंट से कॉल डायरेक्शन की ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, हमने कहा फिर से कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले ली, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने जंप डाउन कर दिया है, तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज जंप का थ्योरी क्या है, हमें देखना पड़ता कि मार्केट ने जो जंप लगाया है वो एक बायर्स का एरिया था या फिर सेलर्स का एरिया था। अगर वो सेलर्स का एरिया था तो मार्केट भले ही कितना ऊपर चला जाए लास्ट में घूम करके वो सेलिंग बना देगा, अगर वो सेलिंग का एरिया था, लेकिन अगर वो बायर्स का एरिया हुआ तो बैक टू बैक यहाँ पर बाइंग भी आ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आ सकते हैं, जिसके हाई का ब्रेकआउट भी कर सकते हैं, जो हाई देख रहे हो रेड का, इसके हाई का भी ब्रेकआउट कर सकता है, प्रॉबेबली चांसेस हैं, नॉट 100% बट चांसेस हैं कि रिसेंट यहाँ के हाईज को वहाँ के हाईज को ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, अगर लॉस होगा तो देखा जाएगा, लॉस होगा तो मैं यहाँ पे वन स्टेप और मार्टेंगल लेने को रेडी हूँ, अगर लॉस यहाँ होता तो मैं एक लास्टली ट्रेड करूंगा, या तो मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट चला जाएगा या फिर मैं अल्टीमेटली अच्छा खासा बेनिफिट बना के निकल जाऊंगा। ठीक है, तो कुछ सेकेंड्स की बात है, 5 4 3 2, ओके, तो ये लॉस हो चुका है, मैं टोटल यहाँ पे 4 ट्रेड की एंट्री कर रहा हूँ, एक और ट्रेड की एंट्री ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है यहाँ शॉर्ट शॉर्ट है, मार्केट ओवरऑल ऊपर ही जाने वाला है। अब मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है ये 100% शॉर्ट शॉर्ट है। ठीक है, देखो अब मैं इस चीज़ के लिए उतना वेट नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे पता है ये ट्रेड मेरा विन हो ही जाएगा 101%। ठीक है, देखो पहली बात क्या थी, मार्केट में एक माइनर सा ट्रेंड लाइन था जिसका ब्रेकआउट हुआ था स्ट्रॉन्गली एक बिग बार कैंडल से, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, पुल बैक आया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, एक एम पैटर्न बना, यहाँ पर पैटर्न फेल हो गया, ऊपर की साइड से रैली निकला। ठीक है, रेजिस्टेंस में टकराया, बट गौर करो मार्केट का जो इम्पल्सन है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, रेंज करके हाइज का ब्रेकआउट करने का है। ठीक है, अगर आप गौर करोगे, मैं जोन क्रिएट करता हूँ, मैंने यहाँ एक जोन क्रिएट कर दिया, मैंने यहाँ एक जोन क्रिएट कर दिया, गौर करो क्या हुआ, मार्केट ने जोन बनाया, ठीक है, ब्रेकआउट करा, ऊपर निकल गया, फिर नीचे एक जोन बनाया, ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर निकल गया। अब हो सकता है मार्केट यहाँ भी क्या कर रहा हो, छोटा सा जोन बना रहा हो, फिर जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा फिर ये ऊपर निकल जाएगा, तो ओवरऑल मार्केट क्या हो रहा है, बैक टू बैक अप चल। मैं यहाँ पे 100% श्योर था, इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल गज 5 ट्रेड की एंट्री कर दी थी। देखो आज क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम तक फॉलो करना है और किस समय ब्रेक करना है, बिकॉज मार्केट बाइनरी मार्केट में हम मल्टीपल ट्रेड करते हैं तो हमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, और वहाँ पे 100% कुछ भी नहीं होता है,
और मैंने यहाँ पे बताऊँ मैं क्यों इतना 100% हो गया था, क्यों? क्योंकि भाई देखो, पहली बात तो जंप डाउन था, और मैंने कहा था कि अगर मार्केट ने अगर किसी सेलर के लेवल पे टच कर दिया होगा तो चाहे कैंडल कितना भी ऊपर चली जाए, लास्ट में वो घूम करके सेलिंग बना देगी। मैंने इसलिए इतना 100% हो गया, पहली बात तो मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चर समझ आ गया था कि बाइंग इम्पल्सन आ रही है। दूसरा, मार्केट में जो ये कैंडल बनी थी वो एक कौन सी कैंडल थी? तो मार्केट में ये एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बना है जिसके लो के अंदर ही सेलिंग की क्लोजिंग हो गई है। अगर कोई बियरिश पैटर्न हो और कोई कंटिन्यूएशन कैंडल उसके लो के अंदर ही क्लोज हो जाती है तो डेफिनेटली वहाँ पर नेक्स्ट कैंडल 99.999% चांस होता है कि वहाँ पर एक बायर की एंट्री होगी। अगर कोई बियरिश पैटर्न है उसका जो कंटिन्यूएशन होता है उसके अंदर ही हो जाता है, उसके वीक के अंदर ही, तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली बाइंग की होती है। तो ये सारी चीज़ें देख करके मैंने ट्रेड करा था। स्ट्रक्चर भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया गया कि स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या चला हुआ है। मार्केट थोड़ा सा रेंज कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, रेंज कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, रेंज कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, और ओवरऑल ऊपर जा रहा। तो हमने यहाँ पे 100% शॉर्ट था, तो हमने यहाँ पे गाइस ट्रेड कर लिया था। बट चलो गाइस, ओवरऑल हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, और किस तरीके से ट्रेड करा जाता है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइस आप वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। और गाइस जिनको भी वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना होगा आ जाना गाइस अकाउंट क्रिएट करके टेलीग्राम पर, और साथ ही साथ गाइस जिनको भी ट्रेडिंग सीखना होगा टेलीग्राम पर आकर के आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपरली ट्रेडिंग सीख पाओगे। ठीक है, तो चलो गाइस मिलता हूं आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस दिस इज ट्रेवल एंड आई एम साइनिंग आउट।